3. Happy birthday to you. छोटा इसका इससे जलन हो रही है. मैं जा रही हूँ आज अपनी बहन के घर पे. ये जलन हो रही है. इसे नहीं बुलाया, मुझे बुला लिया. पता नहीं शादी किसने बनाई. सही बात है, बता रहा हूँ. इससे बड़ी मुसीबत की चीज कुछ नहीं है. शादी करा दो बस. बात नहीं करो. जा फर्रो जी ले अपनी जिंदगी. मुस्कान कह रही है इसमें कि अगर रेड हो ना तो लिया मैं अपना गाउन बनवाऊंगी. मतलब कहीं भी कोई भी जगह मिले बस झूला झूलने से मतलब है इन्हें. और इस बार मुस्कान ने मुझसे मेहंदी नहीं लगवाई क्योंकि हर बार मुस्कान की लड़ाई होती है मेरे से मेहंदी लगवाने में. मैंने लगाई है खाला के. मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं. अर्शी वेलकम टू शेदा लाइफ फैमिली ब्लॉग. तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे. मैं अभी बहुत अच्छी हूँ. पापा देख रहे हैं मैं बहुत अच्छी हूँ ना. सब ऐसे कहते हैं. दूसरों को बुरा कहते हैं, अपने आप को अच्छा कहते हैं सब. मैं भी बहुत अच्छी हूँ. और अब मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए सिलमपुर मार्केट. सिलमपुर मार्केट चेहरा उतर रहा है मेरा. अलग ही दिख रहा चेहरा. खराब हो रही है बस दिख रही है कैमरे के अंदर. ठीक है खराब हो रही है. कल है गाइज मुस्कान का बर्थडे तो अम्मी उसके लिए सामान मंगा रही है तो वो लेने के लिए मैं सिलमपुर मार्केट जा रही हूँ. पैसे ले लिए. चलो तुम ही ले चलते. मुझे हाल का सहारा बहुत ज्यादा. ठीक है जबरदस्ती शॉपिंग करने जा रही हूँ. ऊपर से बड़ी वाली ने फोन कर दिया मेरे लिए भी सामान ले आई हो. मैं इनकी शॉपिंग नहीं करती फिर हूँ बस. शक्ल मत दिखा मुझे. आंखें मत दिखा. डरने वाली नहीं हूँ. छोटा इसे जलन हो रही है. मैं जा रही हूँ आज अपनी बहन के घर पे. इसे जलन हो रही है. इसे नहीं बुलाया, मुझे बुला लिया. बुलाया आज नहीं बुलाया ना. आज सिर्फ मुझे बुलाया स्पेशल. इसलिए इसे जलन हो रही है. कल बुलाया. जलन खोर का मुंह देखो. जलन खोर स्पेशल मुझे बुला दे तो मैं अच्छा. चलो फिलहाल मैं जा रही हूँ मार्केट और उसको सामान. हाँ चल. इतने तक कपड़े लाके इकट्ठे कर रखे हैं मॉल से. मैं तो समय में नहीं आता. मैं धोते परेशान हूँ तुम्हारा. यह होगा चालू. थैले में डालो. इसे बैग में डालो. क्या करूं? इसे बैग में डालो. मैं फिर जॉर्जेट ले आऊंगा साथ में. कुछ पानी बोतल दे दो. पाँच सारा हमारा मुँह देखते हैं. कुछ मैं रखती रहूं उधर. ये हो जाते केसिंग है. खर्चे. तू दे दे फिलहाल पैसा मुझे. अम्मी क्या कर रही हो? बोतल पानी की. शादी किसने बनाई? बता रहा हूँ इससे बड़ी मुसीबत की चीज कुछ नहीं है. बाहर रहता हूँ सुकून से रहता हूँ. घर में आते के साथ ही चारों तरफ से कहा चालू हो जाती है. पैसे ये वो नहीं वो नहीं वो नहीं. अरे एक रोटी खाओ टेंशन ले लो सो. खुशी का अंत है शादी. जितना तुम कमाते हो ना इधर तो सच्ची में खूब ऐश कर सकते हो. खूब खा सकते हो. बेचारा औलाद भी है. प्रधान की शादी. प्रधान की शादी करा दो बस. बात नहीं शादी प्रधान की करा रही. मुझे काम करना पड़ता है. शादी नहीं कर रही. सोच लीजिए कोई आया आ जाए घर के अंदर. फिर देखो सुनो और कितना बड़ा होगा? अभी बड़ा हो गया. अभी अंडे के अंदर है. दिखने लग गया. अभी उम्र कुछ है नहीं. सच में तो बड़े बड़े तो कैसे अभी. हाँ ये तो बात हो गई. अभी इतनी उम्र नहीं है सच की. अभी छोटी है. छोटा ही है अभी. तो अब तीन बहनों तो छोटा है सबसे. बस कर करा छुट्टी करो. अभी जा फर्रो जी ले अपनी जिंदगी. अभी ऐश लेने से कोई बात ना. माँ बापों के राज में ऐश लेने दो. अगर पापा कसम से चुमना होता ना तो ये कर देती. तो खुद भी कर लेता.
ये अकल पापा ने दी है हमें शादी ना करने की। ये इन्हें लग रही है बहुत दिन से, उससे काम ना हो रहा, काम ना हो रहा, मतलब में काम ना हो रहा इनसे। कल मैं से यही कह रही करा, अभी मुझे पापा पाल ले, मेरे बहू के पापा ही पालेंगे, फिर मेरे बच्चा पापा पालेंगे। अल्लाह मेरे पापा को बनाए रख के सबको पाल लेंगे। अल्लाह की उम्र लगाए और क्या। पापा पिला रहे इसी में है। नहीं अच्छे से डांगने को पाल लिया, पूरा दिन बैठ के खा रहे, पूरा दिन पाल पाल लोगा खाना खा रहा पापा डे। अम्मी मैं खाना खा रही हूँ, खाना खा रही हूँ, कल से रोटी भी ना खाइए। मैंने एक बात खाई है तेरे बाप का, खाती है अपने अपने बाप का खा रही हूँ, अपने बाप का, अपने बाप का, अपने बाप का खा रही हूँ। नहीं पापा सिर्फ मेरे हैं, पापा सिर्फ मेरे हैं, पापा सिर्फ मेरे हैं। पापा पानी मार रहे हैं, मुस्कान सुन रहे थे, पापा मेरे भी है, सबको पापा जब अच्छे लगते हैं पापा ये देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है अम्मी, ये तो पापा भी जानते हैं कि हमारे उनकी औलाद कैसी है कैसी नहीं है। मेरे भाई अम्मी यानी आएगी राखी बांधने मेरे, यानी हाँ आएगी तो पहले राखी बांधेगी वो मेरे। सोच समझ के चलो फिर, 12 बज गए, अबे 1 बज गया, चल ना क्या जी कैसे उसमें राखी बांधने में समझ नहीं आता। हम भी बांधते थे मामा शमशाद मामा के, और क्या है ना अम्मी, पैसे वाला पता ना अम्मी मुझे, तुम छीन लेती होंगी बात अलग है, पैसे तो तुम छीन लेती होंगी। हमें मत देखा जाए करो, हमें मत देखा हाँ भैया, और हमारा खर्च ना हुआ है, हमारे घर से ना हुआ। जब हम मेहमानों का नाश्ता हम कराएंगे उनके सामने तो नहीं 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 मत दो, तुम्हारे अरे कोई नहीं मत दो, रहने दो मत दो, बहुत खाते रहे नाश्ता ना कराऊंगा। लारे लाख कितने दिए, दिखाई कितने देके गई, कब दिया तूने अपनी मां के, बताइए। अरे छीनती है पापा, अरे आज तक पहले छीनती थी, हमने छीनती है, उल्टा छीन लेते हैं, खत्म कर देते हैं। अब तो डिब्बा आता है, डिब्बा पहले खुल जाता है और पैसे आते हैं गायब। अपने जिम में बात करके आई मेरी, नहीं मैं जिम करूंगी, तुम बकवास कर ले, दरगाह उतारा पापा देख लो, शाम को चला जाए ऐसे सिमरन की दरगाह बना दे, यही भी सिमरन शाह की दरगाह। अल्लाह तुम भी देखता था, खुद ये भी ऐसे कह रहे हैं। तेरे पर फूल डाल दे, अरे मुझे क्या क्या करूँ, फिर मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ बताओ, क्या करूँ, कहाँ जाना है। सुबह उठो, ताली हवा लो, पानी पियो, घूमो फिरो, एक्सरसाइज करो। तू भी तो बहुत 5 मिनट उठ रहा है, जब रात को 2 बजे तू आएगा उसके बाद खाना तो दूंगी, इसके बाद तो उठूंगी। पहली बार जिंदगी में खा लिया, खा लिया और क्या, क्या करें, तभी तो बहू लिया 12 बजे। चलो मैं जा रही हूँ, चलो ठीक है जा रही हूँ, ठीक है बाय, ठीक है। तो गाइज मैं मार्केट आ चुकी हूँ और यहाँ बहुत तेज धूप हो रही है और मुस्कान के लिए शॉपिंग करना बहुत ही मुश्किल काम है, इतनी देर से घूम घूम के मैं थक गई हूँ। उसे वीडियो कॉल पे दिखाई जा रही हूँ सब चीज़ें, मगर उसे समझ में नहीं आ रही, जब वो साथ में होती थी उसे तब को समझ में नहीं आता था, वीडियो कॉल पे तो खाक उसे समझ में कुछ आने वाला है, और जो खामा खा मुझे परेशान कर रही है। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि शायद कुछ अच्छा सा उसके लिए ले जाऊँ। मैं आई हूँ अंकल की शॉप पर अपनी ब्लैक जॉर्जेट का फैब्रिक लेने के लिए, क्योंकि मैंने अपनी फ्रॉक स्टिच करवाई है, उसके अंदर कम पड़ गया है। और यहाँ पे देखो कितना प्यारा ये फैब्रिक है, ब्लैक, इसकी साड़ी बनाओ, और ये है 500 रुपये मीटर, 550 रुपये मीटर। और एक और है ब्लैक, इस पर तो मेरा दिल ही आ गया, ये वाला, ये है 900 रुपये मीटर, बहुत ही प्यारा फैब्रिक है।
मुस्कान कह रही है इसमें कि अगर रेड हो ना तो लिया मैं अपना गाउन बनवाऊंगी। अंकल देख दो मेरी जॉर्जेट। देख रहे हैं अंकल ब्लैक जॉर्जेट। अरे 1.5-2 मीटर ही चाहिए पर हो सेम। तो गाइज मैं घर पे आ चुकी हूँ और मुस्कान के लिए कुछ भी नहीं लेके आई क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आता कुछ भी। कितनी चीज़ें दिखा दी मैंने उसे, इस चक्कर में व्लॉग भी नहीं बना पाई मैं उसे, वीडियो कॉल करके दिखा 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 के अब क्या करूँ। नहीं यहाँ समझ में उन्हें लगा तो ऐसे ही आ जाओ, मैं यहीं से देख लूँगी कुछ क्या करूँ। उसे सूट चाहिए नहीं, उसे ये ड्रेस और ड्रेस भी चाहिए शिफॉन में, शिफॉन में मिल नहीं रही हैं, कॉटन की सारी आ रही हैं, और चाहिए फ्रॉक सूट, अलग अलग डिमांड है फ्रॉक टाइप का, लॉन्ग ड्रेस हो या ऐसी हो वैसी हो, उसके ड्रामे बहुत ज़्यादा होते हैं भाई। ये ड्रामे करने छोड़ दो, मेरे बस की नहीं है। वो कह रही है पहले वो इंसान जो देते हुए, वो कह रही है मैं अपने दूल्हे के साथ चली जाऊँगी और ले कर आ जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है फिर तू ऐसी आ जा, तो फिर वैसे देर लेगी। अब देखती हूँ जा तो रही हूँ, निकलो थोड़ी कुछ देर में, थक गई मैं तो बहुत बुरी आदमी, तबीयत भी ठीक नहीं है। भूख लग रही है, क्या बनाया तुमने? बिरयानी बनाई है। बिरयानी चलो ये तो अच्छा है, बिरयानी बनाई हो सही है, बिरयानी ला दो भूख लग रही है। हिम्मत नहीं हो रही, हिम्मत नहीं हो रही, मुझसे कह रही भजनपुर चली जाती, वहाँ चली जाती, कमला नगर चली जाती। अब बताओ मैं कह रही सुबह सुबह, एक दिन पहले तो मुझे बोल रही है, मैं कहाँ का चक्कर लगाऊँ? मुझसे कल भी बोलते, कल मैं घर में पूरे दिन फ्री थी नहीं थी, तो ऐसे क्या भजनपुर में स्पेशल मिलेगी क्या? कल भी मैं घर में ही फ्री थी, कल मुझसे बोलते थे मैं तब चली जाती। और क्या, चलो गाइज मिलती हूँ थोड़ी देर में, नहा धो के जब निकलूँगी उसके घर के लिए फिर मिलती हूँ आपसे, खाना वाना खा लेती हूँ बिरयानी। गाइज मैं एकदम तैयार हो चुकी हूँ और अब निकलती हूँ दोनों बहनों के घर जाने के लिए, ठीक है। गाइज पापा के साथ जा रही हूँ मैं, पापा जा रहे हैं मुझे छोड़ने के लिए, एक बैग मेरा ये रहा और एक बैग मेरे पास ये रहा, और उसके बाद भी हमारी अम्मी सामान बांध के दे रही थी, मैंने कहा कल खुद ही ले आना, इतना सारा सामान मेट्रो में मैं अकेले कैसे लेके जाऊंगी। 3-4 साल मेट्रो चेंज करनी पड़ती है, इतना सामान लेके जाऊंगी मैं अकेले। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। पापा ने मुझे छोड़ दिया है मेट्रो स्टेशन पे, और यहाँ देखो कैसे कैसे बच्चे एक्सीलेटर पे स्लाइडर से झूल रहे हैं, तो एक से एक कारनामे करते हैं। इन्हें क्या मस्त झूले मिला हुआ है, मतलब कहीं भी कोई भी जगह मिले बस झूला झूलने से मतलब है, इन्हें मेट्रो में अंदर तो आना नहीं है मगर एक्सीलेटर पे पूरा मस्त अपना झूला झूल रहे हैं, हद हो गई। गाइस फाइनली मेट्रो में आते ही मुझे सीट मिल गई है, और ऊपर आते मुझे मेट्रो भी मिल गई, अब चलते हैं। तो गाइस मैं अपनी बहन के घर पे आ चुकी हूँ और यहाँ पे हम कोल्ड ड्रिंक, मेरा नाश्ता हो रहा है, मेरा नाश्ता हो रहा है। एक तो दिखा रही हूँ तुम मेरा नाश्ता करा रहे हो, हैं ना देखो ना देखो। तो गाइस हमने खाना वाना खा लिया है और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए, और यहाँ पे चल रही है मेहंदी नाइट, मुस्कान का बर्थडे नहीं, मुस्कान की मेहंदी हो रही है, तो और साथ साथ मुस्कान के सासू माँ का भी बर्थडे, दोनों सास बहू का बर्थडे एक ही दिन आता है, तो दोनों की मेहंदी लग रही है। और इस बार मुस्कान ने मुझसे मेहंदी नहीं लगवाई क्योंकि हर बार मुस्कान की लड़ाई होती है मेरे से मेहंदी लगवाने पे, तेरी मेहंदी फेल। मैंने लगाई है खाला के पीछे, मुस्कान ने लगाई थी कल और पैर में भी लगा रखी है पहले से। मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं, अर्शी का नाइट सूट पहन लिया है, गाइस 12 बज चुके हैं, मुस्कान का बर्थडे भी हो रहा है, मुस्कान कर मुस्कान की सासू माँ का आ चुका है।
सॉरी दी, जबरदस्त उठा दिया हमने दोनों। हाँ वीडियो बना ले भैया, वीडियो जरूर बना इसकी, दोनों सास बहू का बर्थडे काटो। पंखा बंद करा नहीं है। हेलो गाइस, ये देखो मुस्कान ने मेकअप कराया है सोते सोते में भी। और सो रही थी तेरी बहुत गहरी नींद में थी, हमने जबरदस्ती उठाया इसे, इन्हें कहा कि ऐसा बोलना तुम। अच्छा और क्या, कोई जन की साथ चली थ्री। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे सासु बहू, मुझे भी मिलेगा। मैं खड़ी हूँ यहाँ से, तुम यहाँ से ऐसे एकदम यूं खड़े नहीं हो सकते, पंखा चला। मिल गया, सो मच, मिल गया माय डियर हस्बैंड। या जिसका तुम्हें इसे भी पागलपन लगा तेरा सही, क्योंकि रोज देना मेरे आड़ के हैं बहुत। चलो जी अब जा रहे हैं हम सोने के लिए, बाय बाय। निकल अब लोग, अब तू सोने भी पिता में घर नहीं करना, इस टाइम काम कर। तुमने मुझे इसलिए बुलाया था, होगा बस काम, जिगर बना काम। अच्छा कल का केक खा के जाऊंगी। लव कार्ड दे दो फटाफट दो। तो गाइस मुस्कान का जो नाइट में बर्थडे सेलिब्रेट करना था वो हमने कर लिया है, अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए क्योंकि बहुत तेज की मुझे नींद आ रही है और मैं सिर्फ इसी चीज का इंतजार कर रही थी कब इसका केक कट हो और कब मैं जाऊँ सोने के लिए। ठीक है तो अब मैं जा रही हूँ सोने। तो आज की ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, कल के मुस्कान के बर्थडे के साथ। तो कल का व्लॉग आप जरूर देखना, ठीक है। हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अब मुझे कैमरा सही से पकड़ना आता नहीं है, ऐसे मतलब शीशे में देख के वीडियो बनानी ऐसे आती नहीं है, पर फिर भी कोशिश कर रही हूँ। फिर मिलते हैं, बाय बाय।